विषय श्रवण करे अनेकेई तार काछे आसते लागलें। जब सबको पता चला कि शंकराचार्य आए हैं, एक छोटा सा बालक, वो बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत ही ज्ञानी है, तो उनके बात को सुनकर सभी उनसे दर्शन करने के लिए आए। क्रमे तार अवस्थानटी पवित्र तीर्थक्षेत्रे परिणत हलो और धीरे धीरे वो जहाँ पे रहते थे वो जगह एक पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में परिणत हो गया। अनेकेई ए बालक सन्यासीके विचारे परास्त करे निज मतेर प्रामाण्य प्रतिष्ठा करार जन्य प्रवृत्त हतो शंकरेर संगे बाद विचारे। बहुत सारे लोग आते थे, वो लोग आते थे इस छोटे से बालक को विचार बाद विचार में परास्त करके, मतलब उनसे उनसे तर्क करके, तर्क में इस बालक को हराने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। किंतु अति धीर भावे सकलेर मत सुनते एवं अवलीलाक्रमे अकाट्य जुक्ति बोले काटतें तादेर तादेर निरस्त करतें तादेर निरस्त। परंतु शंकराचार्य बहुत ही धीर भाव से उन सब की बातों को सुनते थे और अपने अकाट्य युक्ति, मतलब जिस युक्ति का, जिस तर्क का कोई काट नहीं हो, उस प्रकार का तर्क करके, वो तर्क दे करके वो सबको निरस्त कर देते थे। वाराणसी प्रतिभा और व्यक्तित्वर का बीजिगीषु परास्त होत, वादी वादी शतोपलब्धि करे धन्य होत, जिज्ञासु छिन्न संशय हुए पेत आध्यात्मिक जीवने नवालोक। जो वाराणसी में जो लोग आते थे उनसे तर्क करने के लिए, वो तर्क में हार कर भी उनका उन्हें आनंद आता था। जो जिज्ञासु, जो धर्म पथ में किस प्रकार से जाना होगा वो जिज्ञासा लेके जो आते थे, वो लोग शंकराचार्य की बात सुनकर उनके प्राण में शांति का संचार होता था। साधक चरितार्थता लाभ करे तार काछे पेतो धर्म जीवन के पुष्टि करार विपुल प्रेरणा। जो साधक आते थे वो अपने जीवन की, अपने साधना की, मतलब साधना की चरितार्थ, मतलब साधना को चरितार्थ करके वो अपने जीवन में परम शांति को प्राप्त करता था। शंकराचार्य के पास आने के पश्चात शंकरेर अवस्थिति काशीर आध्यात्मिक भाव धारा के प्रवाहित करेछिल उजान पथे। शंकराचार्य के यहाँ पे रहना, काशी में रहना, उससे क्या हुआ, काशी का जो आध्यात्मिक भाव है उस आध्यात्मिक भाव में बहुत बड़ा उन्नति हुआ। चोल देशेर सनंदन नामक एक ब्राह्मण युवक तत्वज्ञान लाभेर जन्य सद्गुरुर सन्धाने नाना स्थान परिभ्रमण करे काशीते आसेन एवं काशीते किछुदिन अवस्थानेर पर लोकमुखे शंकरेर अलौकिक शक्ति ও অসামান্য প্রতিভার কথা শুনে তার প্রতি শ্রদ্ধালু হন। চোল দেশ, মতলব চোলাও কা জো দেশ হ্যায় আন্ধ্রপ্রদেশ উস তরফ, ওয়াহাঁ কে এক লড়কা, ওয়াহাঁ কা এক যুবক সনন্দন, ও এক ও কাশী মে ও ঘুম রহা থা, ও কাশী মে আয়া থা এক উপযুক্ত গুরু কে খোঁজ মে। জিস গুরু কে পাস সমীপ যাকর ও মতলব আধ্যাত্মিক জগত মে वो शिक्षा लाभ करे। और वो शंकराचार्य के बारे में उसने सुना। तिनी गुरु कामना मानसे एक दिन शंकर समीपे अवगमन करे तार चरणे प्रणत हुए निज अभिलाष व्यक्त करले। तो वो एक दिन शंकराचार्य के पास आकर उन्होंने, मतलब शंकराचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे और शंकराचार्य उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करें ताकि वो आध्यात्मिक जगत में वो सिद्धि लाभ कर सके। तो ऐसा करके उन्होंने शंकराचार्य से प्रार्थना किया। कैकदिन बास करार फले आचार्य देवोपम जीवन प्रभावे सनंदन तार प्रति
विशेष भावे आकृष्ट हन। कुछ दिन शंकराचार्य के साथ रहकर, शंकराचार्य को देखकर उनका जो दैवी, उनका जो दैवी मतलब जीवन है, उस जीवन को देखकर वो बहुत ही आकृष्ट हुआ। तय एक दिन आचार्य का सन्यास लेवार प्रार्थना जानलें और इसलिए एक दिन उसने आचार्य के सामने सन्यास ग्रहण करने की आवेदन रखा, प्रार्थना किया कि मैं भी सन्यास ग्रहण करूंगा। शंकर प्रसन्न हुए एक शुभ दिने सनंदन के शिष्य रूपे ग्रहण करे दीक्षित करलें सन्यास धर्मे। और शंकराचार्य ने भी बहुत खुशी खुशी एक शुभ दिन देखकर सनंदन को सन्यास धर्म में दीक्षित किया। सनंदनी आचार्य शंकर प्रथम सन्यासी शिष्य, ये जो सनंदन है यही आचार्य शंकर का पहला सन्यासी शिष्य है। सनंदन एक अलौकिक जीवन, बाल्यकाले संसार प्रति वीतराग हुए श्री भगवान लाभेर वासनाय चले जान दक्षिण देशे बल नामक पर्वते। ये सनंदन का भी एक अलौकिक जीवन है। बहुत कम उम्र में जब वो बालक थे तब वो अपने घर छोड़ करके वो दक्षिण भारत के एक बल नामक एक पहाड़ी में जाकर के वो साधना करने लगे। तिनी सुने छिलें जे भगवान नृसिंहदेव मानवे सकल अभीष्ट आशु पूरण करें। उन्होंने सुना था कि भगवान नृसिंहदेव जिन्होंने प्रहलाद को मतलब कृपा किया था, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को वध किया था, तो ये उन्होंने सुना था कि नृसिंहदेव सभी भक्तों का जो कष्ट है वो कष्ट को दूर करते हैं। ताई तिनी एक पर्वते फल मूल भक्षण करे प्रवृत्त हलेन नृसिंहदेवर आराधनाय। और इसलिए वो इस बल नामक जो पर्वत है, इस पर्वत में उन्होंने नृसिंहदेव को मतलब दर्शन करने का या नृसिंहदेव की कृपा लाभ करने के लिए वो वहां पे उन्होंने साधना शुरू किया, केवल फल और मूल खा मतलब लेकर के। क्रमेई तक प्राणे देव दर्शन आकांक्षा तीव्र होते तीव्रतर हलो। और धीरे धीरे जब वो ये साधना कर रहे थे तब उनके भीतर उनके मन में ये जो नृसिंहदेव को देखने का या नृसिंहदेव को दर्शन करने का जो आकांक्षा है वो तीव्र से तीव्रतर होने लगा। एक दिन एक ब्याप युवक ऐसे तक जिज्ञासा करे तुम्हें ये बीजन बने क्यों एकाकी बास कर। एक दिन एक शिकारी ब्याप मतलब जो मतलब वध करता है, पशुओं का वध करता है, वो आकर उनसे पूछा कि तुम इस बीजन मतलब जिसमें कोई मनुष्य नहीं है ऐसा एक जंगल में तुम क्या कर रहे हो। बैदेर कथा सुने सनंदन निजेर मनोभाव गोपन रेखे बोलें आमी एकटी जंतुर अन्वेषण करछि जार मुख सिंहेर मतन और शरीरटी मानुषेर मतो, तुमि कि एमन जंतुर सन्धान दिते पारो। बैदेर जब पूछा कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं रहता, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, तो सनंदन ने उत्तर दिया कि मैं एक ऐसे जीव का अन्वेषण कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ, जिसका मुंह तो सिंह जैसा है परंतु उसका शरीर मनुष्य जैसा, जैसे नृसिंह अवतार का जैसे होता है, तो मैं उस एक जंतु का वो कर रहा, खोज कर रहा हूं। और उनसे पूछा कि क्या तुम ऐसे जंतु को जानते हो। बैद किछु ना बोले चले गेलो एवं किछुक्षण परे लता पता जड़िए निये एलो एक नृसिंह मूर्ति के। और बैद कुछ बोले नहीं, लेकिन कुछ देर बाद एक मूर्ति लेकर उनके पास आया जिसमें पूरा लताओं से भरा हुआ कोई मूर्ति लेकर आया। सनंदन एक नृसिंह मूर्ति देखे नतजानु हुए स्तब्ध करते लगलें। जब सनंदन ने इस मूर्ति को देखा तब वो मतलब अपने पैरों पर गिर करके वो हाथ जोड़ करके स्तब्ध करने लगे नृसिंहदेव का। व्याद ततक्षण अदृश्य हो तब तक व्याद चला गया। नृसिंहदेव स्वीय मूर्तिते दर्शन दिए बोलें सनंदन के वत्स अभीष्ट वर प्रार्थना करो। जब वो स्तब्ध करने लगे तब वो मूर्ति जो है वो नृसिंहदेव का मूर्ति, वो नृसिंहदेव उसमें प्रकट हो गए।
और निश्चिंत प्रकट होकर उनसे उनसे पूछे कि तुम्हारा क्या प्रार्थना है ये कहो। बालक सनंदन भगवान काछे अभय बर प्रार्थना करलें, विपन्न हुए आपके स्मरण कर ले अपनी दर्शन दान करे आमार विपदमुक्त करबें यही आमार प्रार्थना। तो सनंदन जो है उन्होंने नृसिंह देव से प्रार्थना किया कि मुझे अभय होने का वर दीजिए, मतलब मुझे कभी डर न लगे, और कभी अगर मुझे डर लगे, अगर कभी मैं किसी समस्या में घिर जाऊं तो आप आकर के आप मुझे मतलब रक्षा करने के लिए आप आएंगे। नृसिंहदेव वो ताई हमे बोले अदृश्य हो गए। नृसिंहदेव ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा बोल के वो अदृश्य हो गए। श्री भगवान बर प्राप्त सनंदन आचार्य चरण आश्रय पे निजे के कृतकृतार्थ मन करलें। ये जो श्री भगवान जो नृसिंहदेव के बर प्राप्त ये सनंदन है, जब वो आचार्य का मतलब आचार्य का जब उनको आश्रय प्राप्त हुआ, आचार्य ने जब उसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, तब अपने आप को बड़ा धन्य मानने लगे। गुरुगत प्राण सनंदन छायार मतन श्री गुरुर काछे सर्वक्षण थाकतें। ये जो सनंदन है ये इनका एकमात्र इनका मन का एकमात्र गति था गुरु। ये गुरु के लिए सब कुछ था। गुरुगत प्राण मतलब उनके प्राणों में केवल गुरु बसते थे, वो हमेशा ही गुरु के आसपास घूमते थे, गुरु के पास ही रहते थे। गुरु सेवा और गुरु संतुष्टि विधानी तार परम साधना, उनका जो परम साधना था वो था कि गुरु की सेवा और गुरु किस प्रकार से संतुष्ट हो। एक बात हमेशा जानना, आध्यात्मिक जगत में गुरु ही सब कुछ होता है। शिष्य ध्यान धारणा करता है या जो भी करे, लेकिन शिष्य का एकमात्र कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि वो गुरु की सेवा करे और क्या, और गुरु उसके ऊपर प्रीत रहे, उसके ऊपर मतलब संतुष्ट रहे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सनंदन का जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि किस प्रकार से गुरु की सेवा किया जाए और गुरु हम पे संतुष्ट हो। तिनी शास्त्रज्ञ और मेधावी छिलेन एवं अल्प दिनेर मध्येई गुरुर विशेष प्रिय पात्र हलेन। वो शास्त्रज्ञ थे, वो शास्त्र को जानते थे और वो बहुत बुद्धिमान थे, और बहुत कम समय में ही वो आचार्य शंकर के बहुत प्रिय पात्र बन गए। श्री रामचंद्र जेमन वीर भक्त महावीर, तेमनी सनंदन छिलेन आचार्य शंकर एकांत अनुरक्त भक्त। श्री रामचंद्र का जिस प्रकार से हनुमान जी उनके भक्त थे, उसी प्रकार से आचार्य शंकर का भी एक हनुमान जैसा भक्त बना ये सनंदन। तिनी बहुबार निज जीवन विपन्न करे श्री गुरुर प्राण रक्षा करेछेन। बहुत बार उन्होंने अपने जीवन को दाव पे लगा करके उन्होंने अपने गुरु के जीवन को बचाया। सनंदनेर गुरु भक्ति अनुपम, ये जो सनंदन है इनका जो गुरु भक्ति है ये अनुपम है, ये देखने लायक है। शंकर वेदादि शास्त्रे व्युत्पन्न हुए गोविंद पादेर काछे जोगादि शिक्षा लाभेर पर ब्रह्मात्म विज्ञाने प्रतिष्ठित हुए। शंकराचार्य अपने गुरु गोविंद पाद से जो शिक्षा ग्रहण किए थे उससे हुए ब्रह्म विज्ञान में वो हमेशा ही स्थित रहते थे। विज्ञान ज्ञान मतलब जानना, विज्ञान मतलब विशेष रूप से जानना, विशेष रूप से जानने को विज्ञान कहते हैं। बोले शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद ने इस प्रकार से शंकराचार्य को ज्ञान दिया था, उन्होंने ब्रह्म को विशेष रूप से जाना और विशेष रूप से जानकर वो हमेशा ही उस ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित रहते थे। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीव ब्रह्म छाड़ा अन्य किछु नये, निर्विशेष ब्रह्म शक्ति निर्विशेष ब्रह्मे शक्ति स्थान नहीं, यही परम सत्य। अद्वैत ज्ञान क्या है कि ब्रह्म ही सत्य है, एकमात्र ब्रह्म या आत्मा या ज्ञान वही एकमात्र सत्य है। संसार जो है, जिस संसार को देखते हो ये संसार मिथ्या है, मतलब ये संसार जिस प्रकार से दिखता है ये संसार वैसा नहीं है, ये संसार भी ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीव भी ब्रह्म है, हर जीव
इस संसार में जो कुछ भी दिखता है जीव या निर्जीव सभी उसी ब्रह्म का प्रकाश मात्र है, तो सभी वही ब्रह्म है। तो ये जो निर्विशेष ब्रह्म, ये जो निर्विशेष ब्रह्म है उसमें शक्ति का कोई स्थान नहीं है। शक्ति मतलब जहां पे कर्म हो, जहां पे कंपन हो, जहां पे स्पंदन हो, जहां पे कुछ हो रहा है। ये संसार शक्तिमय है, क्यों? क्योंकि इस संसार में हमेशा ही कुछ ना कुछ हो रहा है। यहां पे कंपन है, यहां पे स्पंदन है, यहां पे कार्य हो रहा है। जहां पे जैसे यहां पे भगवान ये शंकर जी है और मां काली है। मां काली को हम लोग क्या देख रहे हैं? मां काली एक हाथ में खर को पकड़ के रखे, मतलब वो एक हाथ से संहार कर रही है और दूसरे हाथ से क्या, दूसरे हाथ से वो भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, वो कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए वो शक्ति है। लेकिन उनके नीचे शंकर भगवान पड़े हैं। कैसे? वो कुछ कर नहीं रहे, वो वैसे ही पड़े हुए, सोए हुए हैं। वो जो शंकर भगवान है यही ब्रह्म का स्वरूप है। वो कुछ करते नहीं है, उनमें कोई कार्य नहीं है, वो हमेशा ही परिपूर्ण है। उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनमें कोई शक्ति नहीं है, मतलब वो शक्ति से भी परे है। जिस स्थान तक शक्ति का स्थान है उस स्थान से भी परे जो स्थान है उसे कहता है ब्रह्म। तो शंकराचार्य इस परम ब्रह्म जहां पे कोई शक्ति नहीं है उस स्थान में वो हमेशा रहते थे, यही परम सत्य है। साधन भोजन रूप कर्म और उपासना द्वारा चित्त निर्मल ना होले यही सत्य चित्त दर्पणे प्रतिफलित है ना। अगर साधन भजन ना करें, साधन भजन अगर तपस्या ना करें, साधना मतलब एक जगह पे मन को हमेशा ही रखना, इसे कहता है साधना। और हम लोग गुरु के पास जाते हैं, गुरु क्या कहते हैं? गुरु एक मंत्र देते हैं या एक बात बोलते हैं। तो ये बात क्या है? गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र को हमेशा पकड़ के रखना पड़ता है। मन क्या करेंगे? मन यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे और हम लोग भूल जाते हैं। साधना का मतलब क्या है? मन कहीं पर भी, मन को किसी तरफ ना जाने देना और मन को हमेशा ही गुरु द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है या गुरु से सुना हुआ जो ब्रह्म वाक्य है उस वाक्य में ही मन को हमेशा ही स्थिर रखना, इसे कहता है साधना। और जब हम इस प्रकार से साधना करेंगे, तब क्या होगा? तब हमारा मन निर्मल होगा। निर्मल मतलब मन के अंदर जो मलिनता है, मन के अंदर जो मलिनता, जो गंदगी है, वो गंदगी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और जब मन निर्मल होगा तभी हमको ये जो ब्रह्म विज्ञान, इस ब्रह्म विज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर होगा। तब इससे पहले नहीं होगा। ब्रह्म विज्ञान का प्रकाश कब होगा? जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठाकुर रामकृष्ण कहते हैं कि वो शुद्ध मन के गोचर है, मतलब ये जो ब्रह्म है वो शुद्ध मन के गोचर है। उसको पाने के लिए मन को शुद्ध होना अनिवार्य है। तो शुद्ध कैसे होगा? जब मेरा मन एक ही विषय को लेकर रहेगा, बहु विषय। जब मेरा मन अनेक विषयों में भटका हुआ रहता है तभी ये मन चंचल रहता है। गुरु के पास क्यों जाएंगे? गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि मन जो चारों तरफ अनेक विषयों में जो भटका रहता है वहां से मन को एक स्थान पे लाना, ये जो प्रक्रिया है ये गुरु बताते हैं। एक जगह पे खड़े रहो, एक जगह पे, एक जगह को पकड़ो। तो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि ये जो जितने भी कर्म है, जितने भी साधन भजन है, उपासना है, ये सब कुछ करके जब मन निर्मल होता है। अभी प्रश्न है, स्वामी जी हम लोग तो ये करते हैं, हम लोग उपासना करते हैं, हम लोग कर्म करते हैं, हम लोगों का क्यों नहीं होता? और पूरे मन से हम लोग नहीं करते, इसीलिए नहीं होता, पूरा मन देते नहीं है। और एक बात है, इसी में जो लाभ होगा ऐसा विश्वास भी नहीं है। गुरु के पास गए, गुरु ने एक मंत्र दिया, लेकिन ये ही मंत्र मेरे जीवन का सब कुछ है, इसी मंत्र से मुझे सब कुछ लाभ होगा, ऐसा विश्वास कितने लोगों में है?
बहुत कम लोगों में है। बहुत लोग ये दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं, लेकिन मंत्र का जाप नहीं करते हैं। कुछ कुछ लोग बोलते क्या होगा ये सब करते हैं, इससे नौकरी मिलेगा, इससे पैसा मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए नहीं है ये मंत्र, उन लोगों के लिए है ये मंत्र, उन लोगों के लिए है ये आध्यात्मिकता उन लोगों के लिए है जिनके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, जो ये विश्वास करते हैं कि नहीं ये जो मुझे गुरु ने दिया है इससे मेरा लाभ होगा, इससे मेरा लाभ होगा, इसी से ही मेरा लाभ होगा, और संसार का और किसी वस्तु में मेरा लाभ नहीं होगा। जब मन में ऐसा विश्वास होता है तभी हमें, हमारा मन निर्मल होता है, शांत होता है, और तभी हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। जीव भूमिते थेके व्यवहारिक क्षेत्र सर्वभूते जा ब्रह्म दृष्ट अक्षुण्ण रखा दीर्घ अभ्यासर फले आंशिक भावे सम्भव। जब हम जीव भूमि में रहते हैं, मतलब जब हम लोग संसार में रहते हैं, जब लोग हम लोग संसार में रहते हैं तब सभी विषयों में अपने मन को रखकर ब्रह्म का दर्शन करना या ब्रह्म का बोध करना यह संभव नहीं होता। कुछ लोगों के लिए यह आंशिक थोड़ा हो सकता है। हम सभी विषयों को लेकर रह रहे हैं और ये भी मेरा एक विषय है, इसे क्या होता है, इसे भी समझ में आता है लेकिन बहुत थोड़ा अंश, पूर्णता से ये नहीं होता। सर्वोपरि प्रयोजन भगवत कृपा, सबसे बड़ा जो प्रयोजन है वो है भगवान का कृपा। भगवान का कृपा किसको होता है? हम लोग कहेंगे भगवान तो कृपा नहीं करते। भगवान कृपा किसको कहते हैं? वेदांत में एक बात है कि ईश्वर अनुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासना। अगर तुम्हारे अंदर ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो, अगर तुम्हारे अंदर ईश्वर लाभ करने की इच्छा जागृत हो, तब जानना कि तुम्हें ईश्वर का कृपा प्राप्त हुआ है। तो ईश्वर के कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? ईश्वर लाभ करने की जो इच्छा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग जब भी ईश्वर या भगवान या ब्रह्म के बारे में सोचते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे इनको पाने के लिए तो बहुत तपस्या करना होगा। लेकिन शास्त्र ने कभी नहीं कहा इसको पाने के लिए तपस्या करना होगा। शास्त्र ने कहा उनको पाने की इच्छा करो, उनको पाने की इच्छा करो, और ये इच्छा, इस इच्छा में स्थिर रहो, दृढ़ रहो। ऐसा नहीं कि अभी इच्छा हुआ, दो मिनट बाद तुम बोलोगे कि नहीं 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 होगा, ऐसा नहीं। अगर ईश्वर लाभ करने की इच्छा है तो उस इच्छा में हमेशा ही दृढ़ता से रहना पड़ता है और तभी ईश्वर की कृपा मिलता है। साधारण जीवन पक्षे से अवस्था दुर्लभ, जो साधारण जीव है उनके लिए ये जो अवस्था है ये दुर्लभ है। क्यों है? क्योंकि उनका विश्वास नहीं होता, उनका मन एक वस्तु में, एक विषय में कभी भी स्थिर हो ही नहीं पाता, उनका मन हमेशा भटका हुआ रहता है। अगर तुम्हारा मन भटका हुआ है तो अपने मन को शांत करो, एक वस्तु, एक विषय में अपने मन को नियोजित करने का प्रयास करो। अभी छोटे से उम्र से, धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा देखना एक समय जाके हो जाएगा। आचार्य शंकर के देवकार्य साधनेर जन्य अखंड ब्रह्म अनुभूतिते प्रतिष्ठित थेके, आचार्य शंकर के देवकार्य साधनेर जन्य अखंड ब्रह्मानुभूतिते प्रतिष्ठित थेके ब्रह्म दृष्टि निये जगते थाकते होबे। आचार्य शंकर ने जो कार्य शुरू किया भारतवर्ष में धर्म का पुनर्स्थापन, सनातन धर्म का पुनरुद्धार, पुनर्प्रतिष्ठा, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए उनको हमेशा ही ब्रह्म में स्थित होकर संसार में रहना होगा, मतलब कार्य करना होगा, सभी कार्यों को करना होगा, लोगों से बात करना होगा, लोगों को उपदेश देना होगा, लेकिन कैसे? मन को हमेशा ही ब्रह्म में स्थिर रखकर। ऐसा नहीं कि सारा दिन वो ध्यान करके, ऐसा नहीं है, वो ध्यान धारणा करके वो हमेशा मन को उस जगह पे स्थिर रखकर वो कार्य करेंगे। ताई आद्याशक्ति जन कृपा पुराण हुए ब्रह्म ज्ञान पुष्टि विधानर जन्य लीलाचले आचार्य ब्रह्म दृष्टि खुले दिलेन। और इसीलिए
इसीलिए जो देवी है, देवी आद्याशक्ति मतलब माँ पार्वती, उन्होंने कृपा करके शंकराचार्य का ये जो ब्रह्म दृष्टि है उसे और खोल दिया और प्रसारित कर दिया। एक घटना हुआ काशी में, उस घटना का वर्णन है। एक घटना है काशी में, उसका घटना किस प्रकार से माँ, ये जो अन्नपूर्णा माँ माँ पार्वती ने किस प्रकार से शंकराचार्य के ऊपर कृपा किया और कृपा करके उनके जो ज्ञान नेत्र है उस ज्ञान नेत्र को और प्रसारित कर दिया, इसका एक एक घटना है। त्रिजगते सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता सगुण ब्रह्म, इस संसार में ये जो सृष्टि स्थिति और प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है सगुण ब्रह्म या शक्ति माँ। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति रूपे सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते, हम लोग पढ़ते हैं यह नारायणी आप सृष्टि स्थिति विनाश एक साथ कर रहे हैं, आप ही गुणमय है और आप ही गुणों के आश्रय है, आप ही संसार को सृष्टि कर रहे हैं। तो ये नारायणी या शक्ति, वो शक्ति समस्त सृष्टि को मतलब ये संसार का सृष्टि स्थिति और विनाश करते हैं और इसीलिए उनको सगुण ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निराकार है। निर्गुण मतलब सभी गुणों से परे, सभी गुणों से परे। लेकिन जो शक्ति है वो सगुण है, मतलब वो सभी गुणों को साथ ले करके वो है। जिस ब्रह्म में सभी गुण साथ में रहता है उसे कहता है सगुण ब्रह्म, शक्ति है, माँ है। शक्ति निरपेक्ष निर्गुण ब्रह्मेर जगत कर्तृत्व, शक्ति निरपेक्ष निर्गुण ब्रह्मेर जगत कर्तृत्व नहीं। लेकिन ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है और चूंकि ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है इसलिए ब्रह्म में कोई कर्ता नहीं है और इसलिए वो सृष्टि नहीं करते। इसलिए ब्रह्म ने कभी जगत को सृष्टि नहीं किया या आत्मा ने कभी ब्रह्म को जगत को सृष्टि नहीं किया। इस जगत को सृष्टि करने वाले शक्ति है, माँ है, जिनके अंदर ये शक्ति है, जिनके अंदर ये सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। अघटन घटन पटियसी महाशक्ति ब्रह्मेर गुण बा उपाधि, ये जो ब्रह्म का कोई गुण नहीं है। लेकिन अगर ब्रह्म का गुण बोला जाए तो वो कौन है? अघटन घटन पटियसी, मतलब जो घटना कभी घट ही नहीं सकता उस घटना को घटाने वाले आद्या शक्ति, या जो घटना कभी मतलब घट रहा है वो कभी उसको कभी आप रोक नहीं सकते, उस घटना को रोक देने वाले ये कौन है? ये माँ है, वो आद्या शक्ति है। ये कौन है? ये ब्रह्म का गुण है, ये ब्रह्म के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, एक बार ठाकुर रामकृष्ण मथुर बाबू के साथ बात कर रहे थे। बात करते करते मथुर बाबू ने मथुर बाबू को बोल रहे हैं कि देखो इस संसार में सब कुछ माँ की इच्छा से होता है। तो मथुर बाबू ने कहा इस संसार में सब कुछ माँ की इच्छा से होता है? बोला हाँ, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ माँ की इच्छा से होता है। तो मथुर बाबू ने बोला अच्छा, तो ये जो लाल जो अड़ो का पेड़ है, जोबा का जिसको बोलते हैं अड़ो का पेड़, ये लाल अड़ो के पेड़ में हमेशा लाल फूल आता है, तो माँ की इच्छा से इसमें सफेद फूल आएगा? ठाकुर रामकृष्ण ने कहा अगर माँ का इच्छा हुआ तो आएगा। अगले दिन ठाकुर रामकृष्ण पूजा करने के लिए जा रहे हैं माँ की, तो पेड़ के सामने से जा रहे हैं, देख रहे हैं कि लाल अड़ू का पेड़ में दो दो सफेद अड़ू का फूल। ठाकुर रामकृष्ण ने वो डाली काट करके दिखाया, देखो कि माँ सब कुछ कर सकती है, उसी माँ के शरण में हमेशा रहना पड़ता है। तो अघटन घटन पटियसी महाशक्ति ब्रह्मेर गुण बा उपाधि, ब्रह्म का कोई उपाधि नहीं है, लेकिन अगर कोई उपाधि, ब्रह्म का कोई गुण नहीं है, लेकिन अगर ब्रह्म का गुण या उपाधि कहोगे तो वो कौन है? वो ये अघटन घटन पटियसी महाशक्ति माँ, माँ काली। माँ काली ही ब्रह्म का गुण है। सगुण ब्रह्म जेनो अपूरेर रूप सागर, अरूपेर रूप सागर,
सगुण ब्रह्म या माँ, वो माँ कैसा है, जो अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, उस अरूप का रूप है वो माँ। ये जो माँ, ये आद्या शक्ति, ये सगुण ब्रह्म, ये कौन है? ये अरूप, जिसका कोई रूप नहीं हो सकता, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो निराकार, जो निर्गुण है, जो अनामी है, जो अनामी है, उस अनामी निर्गुण निराकार निराश्रय निर्विशेष, उस निर्विशेष निराकार निर्विकल्प, उस निर्विशेष निराकार निर्विकल्प निर्गुण निर्गुण ब्रह्म का वो रूप सागर है। जैसे उस ब्रह्म का अगर रूप दिया जाए, कौन दे सकता है? यही वो माँ है, यही वो माँ। ज्ञानीर ज्ञान भूमिते जिनी निर्गुण ब्रह्म परमात्मा, तिनी द्वैत भूमिते सगुण ब्रह्म सगुण ईश्वर। जो ज्ञानी के लिए जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ज्ञानी मतलब जो जो अद्वैत साधना, जो अद्वैत साधक है, जो अद्वैत साधक है, वो उसके लिए जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जो द्वैत साधक है, जो जो भक्त है, जो भक्त है, जो भक्ति और भगवान को, जो भक्त और भगवान को लेकर रहते हैं, द्वैत साधक जो भक्त है, उस भक्त के लिए वो जो ईश्वर है, वो ईश्वर भी वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जैसे कृष्ण, कृष्ण कभी कभी अपने आप को कभी कभी सगुण ईश्वर के रूप में प्रकाश कर रहे हैं, और कभी कभी अपने आप को जब वो निर्गुण निराकार के बारे में बोल रहे हैं, तभी भी वो मई कर रहे हैं, माया बोल रहे हैं अपने मतलब वो क्या है, वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है। सगुण किसके लिए है, साकार किसके लिए है? साकार है वो भक्तों के लिए, जो भक्त उनको जिस रूप में देखना चाहे, जो भक्त उनको साकार के रूप में देखना चाहे, उसके लिए वो साकार है। लेकिन ऐसे भी कुछ भक्त है जो उनको निर्गुण निराकार के रूप में देखना चाहते हैं, वो भी जैसे ते प्राप्नुवंती मामेव सर्वभूत हिते रताहा, जो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले या जानने वाले या उसी पथ पे चलने वाले, उनके लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ते प्राप्नुवंती मामेव, वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, वो किसी और को प्राप्त नहीं करते, वो भी मुझे, जैसे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं, जैसे भक्त का भी मैं ही एकमात्र लक्ष्य हूं, उसी प्रकार से जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी का भी लक्ष्य मैं ही हूं। ते प्राप्नुवंती मामेव सर्वभूत हिते रताहा, और इसके बाद वो सभी का हित करता है, सभी का कल्याण करता है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म और ईश्वर, ये दोनों ही एक है, दो नहीं है। शंकराचार्य ये ईश्वर को नहीं मानते थे, शंकराचार्य के लिए सब कुछ वही निर्गुण निराकार ब्रह्म था, वो ये जो साकार में जो ईश्वर जो शक्ति है उसको नहीं मानते थे, वो शक्ति को नहीं मानते थे, और इसलिए माँ ने एक घटना घटाया उनके साथ। सर्वरस कदम्ब मूर्ति भगवान सर्वशक्ति, सर्वरस कदम्ब मूर्ति भगवान सर्वशक्तिर आलोय आलोय, जो भगवान है वो सर्वशक्ति और सभी रसों का वो घर है, उनमें सभी भाव है। भगवान क्या है? उनमें सभी भाव है। छिन्न चिच्छक्ति आद वेदांतेर ब्रह्म अभेद, चित शक्ति मतलब ये जो माँ है या ये शक्ति है, चित शक्ति और वेदांत का जो ब्रह्म है, वेदांत का जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ये दोनों ही एक है। जब हम जल अर्थात हिम शक्ति, जैसे पानी और बर्फ में केवल अवस्था का अंतर है, लेकिन दोनों ही एक ही है, उसी प्रकार से ये जो शक्ति है और ब्रह्म है, ये दोनों दो प्रकार का दिखते हैं, लेकिन दोनों ही समान है।
তাই সাধক এই অবস্থাতে পৌঁছে বলেন সাকার আমার পিতা নিরাকার আমার মা। और इसीलिए साधक जब इस अवस्था तक पहुंचते हैं तब वो क्या कहते हैं, साकार मेरा पिता है, पर जो निराकार है, जो निराकार है वो मेरा माँ है, मतलब वहीं से मैं आया हूं। काली ब्रह्म जिने मर्म धर्माधर्म सब छेड़े थी। काली और ब्रह्म को देखकर, काली और ब्रह्म के जो मर्म है, काली मतलब शक्ति और ब्रह्म मतलब शक्ति, शक्ति से परे वो परम ब्रह्म जहां पे शक्ति नहीं है, इन दोनों को देखकर धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया। मतलब मैंने ब्रह्म को भी जाना, मैंने शक्ति को भी जाना, और मैंने ये जाना कि सब कुछ में वही एक ब्रह्म है, और इसलिए ना तो मेरा कोई धर्म है और ना ही मेरा कोई अधर्म है। मैंने सब कुछ जान लिया, ये सब कुछ ही ब्रह्म मात्र है, या तो उसे ब्रह्म कहिए या उसे ईश्वर कहिए, दोनों एक ही है। आचार्य शंकर अति शारीरिक, आचार्य शंकर तार शारीरिक भाष्य ग्रंथे ब्रह्मेर सगुण और निर्गुण दुई भावेरि समर्थन करेछेन एवं विशेष स्थान दिएछेन प्रत्युक्त सगुण ब्रह्मेर उपासनाय। आचार्य शंकर ने जब शारीरिक शास्त्र मतलब जब उन्होंने ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा, तब उन्होंने यही जो शक्ति साधना है उस शक्ति साधना के ऊपर विशेष उन्होंने वो दिया, सगुण उपासना के ऊपर उन्होंने विशेष समर्थन किया, विशेष जोर दिया। सगुणे उपासना निर्गुणे पूछा अपरिहार्य सोपान। सगुण की उपासना, जैसे हम लोग यहाँ पे माँ काली की उपासना करते हैं, या दुर्गा माँ आती है, हम लोग दुर्गा माँ का उपासना करते हैं, लेकिन देखना कि काली की उपासना या दुर्गा माँ की उपासना जब करते हैं, जब गहरे में जाते हैं, तब क्या होता है, तो हम लोग सब लोग शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। कभी कभी जब बहुत गहरा भाव होता है, तब क्या होता है, हम सब लोग स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो सगुण की उपासना के द्वारा ही निर्गुण ब्रह्म को पाया जा सकता है। जब हम लोग शांत हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग निर्गुण की तरफ चले गए। जब उपासना कर रहे हैं, सगुण की उपासना कर रहे हैं, तब भाव है, तब आनंद है, तब अश्रु है, तब बहुत नाचना है, गाना है, सब कुछ है, लेकिन ये करते करते जब कभी कभी जब बहुत गहरे में चले जाते हैं, तब वो नाच नहीं पाता, वो गा नहीं पाता, वो रो नहीं पाता, वो कुछ चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, कुछ नहीं करता, वो स्थिर हो जाता है। बोले इसका मतलब क्या है कि सगुण के भीतर रहकर, सगुण के भीतर ही धीरे धीरे वो उस निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच गया। बुझते चीज दारुण कथा पढ़ा आज के। औद्योगिक ज्ञान सकल साधना शेष कथा और परम प्राप्ति। जो सभी साधनाओं का जो परम प्राप्ति है, परम ज्ञान है, परम प्राप्ति या परम ज्ञान क्या है, अद्वैत तत्व, अद्वैत ज्ञान। अद्वैत मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं। मतलब दुर्गा माँ का पूजा कर रहे हैं, काली माँ का पूजा कर रहे हैं, करते 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 एक समय काली के साथ या दुर्गा के साथ या ब्रह्म के साथ एकाकार हो गए वहां पे, और भेद नहीं रहा, अभेद हो जाता है। कैसे, गंगा जी जा रही है, जाते जाते सागर में जाके मिल गई, जब सागर में मिल गई तब वो सागर बन गई, तब और गंगा जी नहीं रहती। उसी प्रकार से साधक भी जब साधना करता है, साधना करते करते जो उसका जो परम या चरम अवस्था है, तो चरम अवस्था क्या है, जिसकी साधना कर रहा है उसमें ही वो लीन हो जाता है। जैसे ठाकुर रामकृष्ण माँ काली को भोग दे रहे हैं, माँ खाओ बोल रहे हैं, माँ खाओ खाओ बोल के अपने खा ले रहे हैं। ये क्या है, तो लोग देखेंगे बुला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अब माँ को खिला रहे हैं, आप खुद खा रहे हैं, बोले नहीं बात वो नहीं है, ये माँ खाओ मतलब उनका भाव इतना गहरा है कि मां बोलते ही वो मां के साथ एकाकार हो गए।
वो अपने खा लिए, मतलब वो माँ और वो स्वयं एक हो गया। माँ को फूल चढ़ाने देंगे, माँ फूल पैरों में फूल चढ़ाने जाएंगे, अपने माथे में फूल चढ़ा रहे। लोग देखेंगे बोलेंगे आप क्या कर रहे, पागल है। लोग उनको पागल बोलते थे, अरे ये तो पागल है, ये माँ को खिलाने में खुद खा लेता है, ये माँ को फूल चढ़ाने में खुद अपने माथे में लेते। बोले नहीं, वो पागल नहीं है, वही सच्चा साधक है, वही सच्चे महापुरुष है। वो सगुण ब्रह्म की तरफ जाते जाते वो वहां पे एकाकार हो जाते थे, अद्वैत अवस्था में वो आ जाते थे। माँ को फूल देते थे अपने फूल, माँ को खिलाते थे अपने खा लिए, मतलब अद्वैत अद्वैत में आ गए, एकाकार हो गए, पाकिस्तान एक हो गए। तो यहां पे क्या बोल रहे, अद्वैत ज्ञान सकल साधना शेष कथा और परम प्राप्ति। अद्वैत ज्ञान ही सभी साधनाओं का अंतिम वाणी है, इसके बाद और कुछ नहीं, और वही परम प्राप्ति है। अधिकारी भेदे और अवस्था भेदे अव्यय ब्रह्म तत्व और सगुण सोपाधिक ब्रह्म उपासना श्रुतिर विधान। बोले जैसा अधिकारी मतलब जिस प्रकार के क्वालिटी का साधक, कोई बहुत ही उसमें बहुत ज्यादा वैराग्य रहता है, उसको अचानक उसको एक बात बोलो वो समझ जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसका मन संसार में होता है, उसको एक बार दो बार पांच बार बोलना पड़ता है। बोले साधक विशेष में, अधिकारी विशेष में, और अवस्था के भेद में, और अवस्था के मतलब अलग अलग अवस्था, या अधिकारी के अलग अलग। अधिकारी कैसे होता है, मुमुक्षु, कभी तीव्र मुमुक्षु होता है, उत्तम मुमुक्षु होता है, इसके बाद मध्यम मुमुक्षु होता है, और एक होता है अधम मुमुक्षु। थोड़ा बहुत उसको मुक्ति लाभ करने की इच्छा है, बाकी जो इच्छा है वो संसार में है। और ये कोई क्या है, यह है अधम मुमुक्षु। लेकिन इसको भी मुमुक्षु बोला जाए, क्यों, क्योंकि इसके भीतर भी थोड़ा सा ईश्वर लाभ करने की इच्छा है। इसके बाद इसका मतलब मध्यम मुमुक्षु, मध्यम मुमुक्षु मतलब उसका आधा मन मुक्ति लाभ करने का इच्छा है, मुझे ईश्वर चाहिए, और आधा मन जो है वो संसार में, लिए मध्यम मुमुक्षु। और उत्तम मुमुक्षु क्या है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, संसार से कोई लेना, संसार जहां है वहां है, उसका मन प्राण सब कुछ ईश्वर में लीन है, यह उत्तम मुमुक्षु। ये तीन प्रकार के ही साधक, ये तीन प्रकार के ही शिष्य गुरु के पास आते हैं। गुरु के पास ऐसा नहीं कि गुरु जो सदगुरु होंगे उनके पास केवल उत्तम मुमुक्षु आएंगे, ऐसा नहीं है, उनके पास मध्यम भी आते हैं, उसके बाद अधम भी आते हैं, उनके पास ऐसे भी लोग आते हैं जिसके अंदर कभी मुमुक्षु तो है ही नहीं, वैसे भी लोग आते हैं। गुरु क्या करते हैं, गुरु इस अधिकारी विशेष अधिकारी भेद में जो उत्तम जिसके अंदर उत्तम मुमुक्षु तो है वो उत्तम अधिकारी है, जिसके अंदर मध्यम वो है मध्यम मुमुक्षुत्व उसको वो मध्यम अधिकारी, और जिसके अंदर थोड़ा सा अधम मुमुक्षुत्व है उसको अधम अधिकारी है। तो अधिकारी विशेष उनको साधना देते हैं। कुछ लोगों को बोलते जाओ झाड़ू लगाओ, एक ही गुरु के 10 शिष्य है, तीन को बोलेंगे जाओ झाड़ू लगाओ, तीन को बोलेंगे कि तुम लोग जाके पूजा करो, और कुछ लोग और दो को बोलेंगे तुमको कुछ करने का जरूरत, तुम यहाँ पे बैठो चुपचाप, जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तो देखेगा बोलेगा स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आप इसमें भेद कर रहे हैं। बोले नहीं, ये भेद उस तरह से नहीं होता, भेद होता है ये भेद तुम्हारे अंदर है, ये उत्तम मध्यम और अधम का बात है। एक बार स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी विवेकानंद के पास आकर बोले स्वामी जी सुने कि गंगा जी का स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। बोला हाँ मिलता है। बोला हम लोग जाएंगे। बोले जाओ 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 गंगा जी का स्नान करने के लिए जाओ। तो वो स्वामी जी के पास एक और आदमी बैठा था। बोले स्वामी जी आप तो बोले कि ब्रह्म ही सत्य है, वही एकमात्र सत्य है, और उनको आप गंगा जी के में, हम थोड़ा गंगा जी नहा के आए पर तुमको नहाने का जरूरत नहीं है, तुम यहां पर बैठो। तो ये क्या है, ये उत्तम मध्यम और अधम मुमुक्षुत्व की बात है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को हमेशा ही अपने पूरे मन से हमारा पूरा मन हमें मुमुक्षुत्व में मुक्ति लाभ करने में देना चाहिए, तभी गुरु को ठीक ठीक समझा जा सकता है। नहीं तो गुरु हमेशा ही अज्ञात रहता है, अविदित रहता है।
पीछे रहेंगे, वो सामने कुछ और रहेंगे, क्योंकि गुरु ये बोला उसको उसको खुशी नहीं है, अरे तुम ये करो, नहीं नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख रहा है तो उसको तो नहीं बोल रहे, उसको तो नहीं बोल रहे, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए ये मतलब यही बात है। तो अधिकारी भेद में और अवस्था के भेद में अव्यय ब्रह्म तत्व और सगुण सोपादिक ब्रह्म उपासना ही श्रुति का विधान है। श्रुति मतलब वेद ने ही कहा है कि इस प्रकार से करो, जो जो जिसके अंदर थोड़ा सा ईश्वर की इच्छा है उसको कर्म कांड में घुसाओ, उसको उपासना कांड में घुसाओ, वो सब करके आने दो, चित्त शुद्ध होने दो, लेकिन जिसके अंदर केवल ईश्वर छोड़ के द्वितीय कोई वस्तु है ही नहीं, जो केवल ईश्वर को ही चाहता है, उसको वो सब का जरूरत नहीं है। बोलते कि जो उत्तम मनुष्य है उसके लिए कोई कार्य नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको ये उपदेश धारण हो जाएगा, एक बार में सुनेगा एक बार में उपदेश धारण हो जाएगा, इसलिए उसको चित्त शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होता। ब्रह्मविद वरिष्ठ आचार्य शंकर ज्ञान और भक्तिर मिलन भूमिते दाड़िये परमात्मार स्तव करे बोलेछिलेन सत्यपि भेदा भेदा गमने नाथ तवाहं न मामकी नास्त्वं समुद्रोही तुरंग तुरंग रुचना समुद्रो न तरंगः। एतो छोटो छोटो लगा ना, सत्य भी भेदा भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्त्वम मामुद्रोही तरंग रच तरंग कृचन समुद्रो न तरंगः। हे नाथ, तुम्हार ओ आमार मध्ये जे भेद ता अपगत होलेओ अर्थात अभेद बुद्धि होलेओ तुम्हारी आमी। शंकराचार्य बोल रहे बोले ये भी ज्ञानी करता है, ज्ञानी जब ये समझता है कि मेरे साथ मतलब देवता का या ईश्वर का कोई भेद नहीं है, वो ये नहीं कहता कि मैं ही ईश्वर हूं। यहां पे शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे में कोई भेद नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा हूं, मतलब मैं तुम्हारा भक्त हूं। हे नाथ, तुम्हारो आमार मध्ये जे भेद ता अवगत होलेओ अर्थात अवगत होलेओ माने भेद अगर खत्म भी हो जाए अर्थात अवेद बुद्धि होलेओ तुम्हारी आमी, तुमी कखनो आमार न, आप मेरा नहीं है, मतलब मैं जब भी मेरा कहूंगा उसमें अहंकार आ जाएगा। शिष्य का काम क्या है, भक्त का काम क्या है, अपने आप को दे देना, अपने आप को खत्म कर देना, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या पाएंगे, वो चिंता ना करना। तो शंकराचार्य बोले कि मैं और आप दोनों अभेद हैं, लेकिन मैं आपका हूं, आप मेरे नहीं है, कारण समुद्र तरंग अभेद हो रहे हो, समुद्रेर ही तरंग, समुद्र और तरंग, तरंग मतलब ढेव, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अभेद हैं, जो समुद्र है वही तरंग है, लेकिन वो तरंग भी समुद्र का है, तरंग कखनो समुद्र के तार अंश बोले दाबी करते पारे ना, तरंग कभी ये नहीं कह सकता कि समुद्र मेरा है, समुद्र का तरंग होता है। तो आज के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साधक।